अभी आप कोई विषय कहते हैं महाराज जी विषय बोलो तो मुझे अच्छा लगता है। कम से कम आप हमें थोड़ा सा काम दे देते हैं, हमें सोचने में सोचना नहीं पड़ता कि हमें क्या बोलना है, बहुत अच्छी बात है। उसमें पिछले दिनों हम थोड़ा सा जब हमने सुंदरकांड का पाठ किया था तो हनुमान जी के बारे में हम चर्चा कर रहे थे, तो हनुमान जी के संबंध में बड़े अच्छा एक उन्होंने, मैंने कभी गाया नहीं, प्रश्न करता हूं, उन्होंने हमें एक भजन गाने को कहा है, कभी भूल ना जाए, समय दौड़ता है, वो भजन हम पहले गा लेते हैं। बड़ा अच्छा भजन है, रामायण में जो रामायण आए थे टेलीविजन के ऊपर उसमें गाया गया, बड़ा सुंदर भजन, बड़े प्रेम से गुनगुनाइए, भगवान राम का है। सुनो रे राम कहानी, सुनो भाई राम कहानी, सुनो भाई राम कहानी, सुनो रे राम कहानी, सुनो रे राम छोड़ पर बाकी
किया चंद्र धके मन तोड़ भाई मनवासी पित किया लखन पिया संग लखन पिया संग लेके लखन पिया संग लेके थोड़ी रस खानी Thank you.
बड़ा अच्छा है, बहुत सुंदर, धन्यवाद ऐसा सुंदर भजन गाने को हमें आज्ञा दी आपने, क्योंकि ये भजन गाने से भगवान जिसके कहने से वो बात कोई कहने को कहे हमको, कितनी अच्छी बात है, सौभाग्य है कि आप राम जी की कथा कहो, राम जी का भजन कहो, कितनी बढ़िया बात। तो भगवान की जो सुंदर कथा, राम जी ने दशरथ जी के घर में जन्म लिया और फिर घर का त्याग कर दिया और फिर गुरु जी के साथ विश्वामित्र जी के साथ रहकर धनुष तोड़ दिया, वनवासी हो गए और दुष्ट रावण आ गया और रावण ने भिक्षुक का वेश बनाकर, साधु का वेश बनाकर और जनक सुता का हरण कर लिया और फिर उसके बाद अशोक वन में सीता जी पहुंची, वहां हनुमान जी पहुंच गए और वहां हनुमान जी ने ले जाकर राम जी की अंगूठी दी और सीता माता सीता जी को हनुमान जी ने कथा सुनाई, ऐसा कहा जाता है। एक महात्मा ने हमें बताया कि हनुमान जी की बड़ी कृपा है हम लोगों के ऊपर, कथा वक्ता, कथा की जो रामायण की कथा वक्ता होते हैं उनको हनुमान जी को स्मरण करके कथा में बैठना चाहिए, क्यों, हनुमान जी का ऋण है हमारे ऊपर। आपको मालूम नहीं है, हम लोगों को मालूम नहीं है, जब तक सीता जी के पास हनुमान जी नहीं गए थे तब तक राम कथा हुआ करती थी, कथा तो होती थी लेकिन कथा के लिए ऐसे माइक लगा के ऊपर बिठाने की परंपरा नहीं थी, कथा बोलने वाला भी आपके बीच में बैठा होता, ऐसे परंपरा थी। लेकिन जब से सीता जी ने, क्योंकि कथा हनुमान जी ने कहां बैठ के सुनाई, ऊपर बैठ के सुनाई, पेड़ पर बैठ के सुनाई थी ना, उनको मालूम है, और सीता जी की व्यथा मिट गई, सीता जी को आनंद हुआ कथा सुनने से, बोली कथा, सीता जी ने सब लोगों को बताया कि राम ने मुझे कथा सुनाई और मेरे हृदय में शांति हुई, इतना दुखी हो रही थी। तो कथा से अगर व्यथा नहीं मिली, कथा से व्यथा नहीं मिटी, कथा से शांति नहीं मिली, तो फिर कथा कैसी। तो हनुमान जी की कथा से इतना आनंद मिला तो सीता जी ने कहा कि कथावाचक को ऊपर बैठ के ही अगर कथा सुनोगे तो आनंद मिलेगा, क्योंकि हनुमान जी ने मुझे ऊपर बैठ के सुनाई थी। और भी हम लोग देखते हैं साइफन होता है, एक नली को दूसरे बर्तन में डाल दो और उस बर्तन को थोड़ा ऊंचा करोगे जिसमें से डालना है तो उसमें पानी आएगा, और यदि उसको नीचा कर दोगे तो पानी बंद हो जाएगा। कोई लिक्विड साइफन, साइफन का एक नियम है, साइफन कोई मशीन नहीं होती, कोई बिजली नहीं लगती उसमें, एक पाइप इधर डालो, एक पाइप लो, उसका एक कोना इधर डालो, एक इधर डालो, उसको स्टार्ट कर दो बस, अब वो चलेगा तभी तक जब तक उस जिसमें से पानी देना है वो ऊंचा होना चाहिए, वो ऊंचा होगा। ऐसे ही घड़ा, घड़े में पानी होता था पहले, तो घड़े घड़े को ऐसे उल्टा करो तो गिलास में पानी ले लो, लोटे में ले लो, किसी में भी ले लो। एक दिन वो ढक्कन कहता है घड़े से कि तुम हमें पानी नहीं पिलाते, सबको देते हो पानी हमें नहीं देते। तो घड़े ने कहा तुम्हारे सिर पर चढ़ के बैठते हो पानी मांगते हो, पानी पीना है तो नीचे आओ ना, पानी गिलास नीचे आता है, कटोरा नीचे आता है तो पानी मिलता है। तो कथा सीताजी तो साक्षात भगवती जगदम्बा है लेकिन हनुमान जी ऊपर बैठे हैं क्योंकि कथावाचक है, तो कथावाचकों को सम्मान दिया हनुमान जी महाराज ने, कितनी बड़ी बात है। मुझे तो, मैं आपसे एक प्रार्थना करूंगा, आप लोग मंगलवार को और शुक्रवार को कथा में आते हैं तो अभी मैं सोच रहा हूं, बड़ी अच्छी बात है, दो तीन पंक्तियां फिर बुलाइए, सब बोलिए बड़े प्रेम से, जनता जनार्दन की जय। ये किसकी जय हुई? आपकी जय। ये तो हनुमान जी
हनुमान जी को, हनुमान जी के पास यही शक्ति तो है।